हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईसी क्या होती है और मोबाइल फ़ोन में आईसी का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों, यही जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार किसी न किसी से ज़रूर सुना होगा कि मोबाइल की आईसी उड़ गई है या मोबाइल की आईसी चली गई है, या शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके मोबाइल में कोई ख़राबी आ गई हो और जब आप उसे बनवाने गए हों तो दुकानदार ने आपको बोला होगा कि आपके मोबाइल की आईसी ख़राब हो गई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आईसी क्या होती है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक तरह की चिप या माइक्रोचिप होती है। आईसी का यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में किया जाता है। एक छोटी सी चिप या सिलिकॉन का छोटा सा टुकड़ा जिस पर ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स गड़े हुए होते हैं। हिंदी में इंटीग्रेटेड सर्किट को एकीकृत परिपथ कहते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर, डायोड्स, कैपेसिटर्स और रजिस्टर जैसे कई माइक्रोस्कोपिक तत्व तो शामिल होते हैं। दुनिया की पहली आईसी या माइक्रोचिप 1958 में जैक किल्बी द्वारा विकसित की गई थी। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि आईसी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, आईसी तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है डिजिटल आईसी, सेकंड एनालॉग आईसी एंड थर्ड इज मिक्स्ड सिग्नल आईसी। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन में आईसी का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है, आपके स्मार्टफोन में आईसी का उपयोग नेटवर्क आईसी के लिए किया जाता है जिससे मोबाइल सिग्नल को काम में लाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, आपके मोबाइल में रैम और रोम होती है, उनमें भी आईसी का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, चार्जिंग आईसी भी आपके मोबाइल में होती है जो कि चार्जिंग करते वक्त काम में आती है। फोर्थ पॉइंट है, इनके अलावा आपके फ़ोन में ऑडियो आईसी भी होती है जिससे आपके मोबाइल ऑडियो को मैनेज किया जाता है। आई होप दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।